जियो सबसे पहले अपने ऑफर्स लेकर आ जाता है यहाँ जब भी कोई त्योहार होता है या फिर जब भी कोई इंडिया के अंदर नया मोबाइल लॉन्च होता है तो जियो की ओर से सबसे पहले यहाँ ऑफर निकल कर आते हैं। लेकिन अभी यहाँ फिलहाल दोस्तों 10 से 15 दिन बाद हैप्पी न्यू ईयर आने वाला है, नया साल दोस्तों, तो इसी के मौके पर अभी तक यहाँ जियो की ओर से कोई भी न्यूज़ नहीं निकल कर आई है। तो यहाँ काफी लोग जियो यूजर्स यहाँ इंतजार कर रहे हैं कि यहाँ जियो की ओर से ऑफर निकल कर आए, ऑफर निकल कर आए, लेकिन अभी तक नहीं निकल कर आए हैं दोस्तों। तो यहाँ पिछले साल भी जियो लेकर आया था हैप्पी न्यू ईयर ऑफर, तो उसमें आपको काफी अच्छे बेनिफिट्स मिल रहे थे, तो इस बार भी यहाँ काफी जल्दी जियो लाने वाला है हैप्पी न्यू ईयर ऑफर। तो यहाँ जियो नहीं लाया है दोस्तों ऑफर अपना, पहले उससे पहले यहाँ आ चुका है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड की ओर से, और यहाँ वोडाफोन आइडिया लिमिटेड आपको काफी अच्छा यहाँ ऑफर इसके अंदर दे रहा है हैप्पी न्यू ईयर ऑफर दोस्तों। तो यहाँ आपको क्या क्या बेनिफिट्स इसके अंदर मिलने वाले हैं आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, तो आप ये वीडियो देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं वरुण अग्रवाल, आप देख रहे हैं टेक्निकल इंडियन। चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल इंडियन चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया आपको, यहाँ जियो का हैप्पी न्यू ईयर ऑफर नहीं निकल कर आया है अभी तक, उससे पहले लेकर आ गया है दोस्तों वोडाफोन आइडिया लिमिटेड अपना हैप्पी न्यू ईयर ऑफर लेकर। और यहाँ दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन और टाटा डोकोमो की ओर से कुछ दिन पहले यहाँ जितने भी टॉक टाइम रिचार्ज थे और जितने भी यहाँ लाइफ टाइम वैलिडिटी वाले रिचार्ज थे वो सारे बंद कर दिए गए थे। और यहाँ जो मिनिमम ₹ वाला आपको कराना अनिवार्य कर दिया था रिचार्ज, वो था दोस्तों ₹35 वाला, जिसमें आपको 28 डेज की वैलिडिटी मिलती है। तो यहाँ दोस्तों जो हैप्पी न्यू ईयर ऑफर लेकर आया है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड वो कुछ इसी तरह का है दोस्तों कि आपको यहाँ ₹95 वाला रिचार्ज कराना होगा या फिर आप उससे ऊपर का कोई सा भी रिचार्ज करा सकते हैं, तो आपको यहाँ मिल जाएगा दोस्तों ₹30 का अमेजोन पे गिफ्ट वाउचर, और आप यहाँ काम या मतलब उससे यूज कर पाएंगे दोस्तों। उसे आप अपने अमेजोन पे पर खरीदी करते टाइम या फिर आप अपना रिचार्ज वापस से दोबारा से कर सकते हैं उससे। और यहाँ दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ₹95 वाले रिचार्ज में आपको 500 MB डाटा मिलता है, 28 डेज की वैलिडिटी मिलती है, 30 पैसे के हिसाब से आप कॉलिंग कर सकते हैं, और यहाँ दोस्तों आपको ₹95 का टॉक टाइम रिचार्ज मिल जाएगा, और यहाँ आपको कुछ भी SMS बेनिफिट नहीं दिया जाएगा ₹95 वाले रिचार्ज में दोस्तों। तो यहाँ कुछ इस तरीके का वोडाफोन आइडिया लिमिटेड हैप्पी न्यू ईयर ऑफर लेकर आया है। तो यहाँ दोस्तों मुझे काफी अच्छा नहीं लगा है ये प्लान, क्योंकि यहाँ दोस्तों अपन ₹95 वाला रिचार्ज डलाए तो भी आपको यहाँ ₹30 का ही गिफ्ट वाउचर मिल रहा है, और यहाँ अगर अपन ₹399 वाला रिचार्ज कराए तो भी आपको यहाँ ₹30 का ही गिफ्ट वाउचर मिल रहा है। तो यहाँ दोस्तों काफी बड़ी प्रॉब्लम लगी मुझे तो ये। आपको कैसा लगा दोस्तों ये ऑफर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना दोस्तों। ये न्यूज निकल कर आई थी आज वोडाफोन आइडिया लिमिटेड की ओर से। आज के इस वीडियो में इतना ही। मैं आशा करता हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों आज का ये वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आप हमें फॉलो कर सकते हैं सोशल मीडिया पर, जैसे कि फेसबुक पेज पर, वेबसाइट पर, ट्विटर पर। इनकी लिंक आपको हमारे चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगी।